भागलपुर पहुंचे बिहार सरकार के जिला परिषद एवं पंचायती राज समिति के सभापति सह मधेपुरा आलमनगर के विधायक नरेंद्र नारायण यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को पीएम मटेरियल बताया है। विधायक नरेंद्र नारायण यादव ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश बाबू अलग ढंग के नेता हैं, काम में और विकास में विश्वास रखते हैं। इंडिया गठबंधन की बैठक में इस बात का निर्णय होगा, लेकिन नीतीश कुमार पीएम मटेरियल है। पत्रकार जी, आप स्वतः जानते हैं इस देश में समाजवादी विचारधारा के अंतिम व्यक्ति वो हैं, मैं मानता हूं उनके साथ, और उनके चरित्र पर किसी ने आज तक उंगली नहीं उठाई है। बिहार के विकास में उनका बहुत बड़ा सहयोग रहा है और इस प्रकार के व्यक्ति जब राजनीति में आते हैं तो जनता की विश्वसनीयता उसमें बढ़ती है। आपने देखा होगा नवासीस में राजा नहीं फकीर है, भारत का तकदीर है, बीपी सिंह है। 1977 में बाबू जय प्रकाश नारायण के नेतृत्व में आंदोलन हुआ, सन 77 की ललकार दिल्ली में जनता से, और मैं मानता हूँ कि नीतीश बाबू एक अलग ढंग के नेता हैं। वो विकास में विश्वास रखते हैं, काम में विश्वास रखते हैं, बोलते कम है। तो प्रधानमंत्री के तौर पे आप मान रहे हैं इस बात को? पत्रकार जी, वो तो जब इंडिया गठबंधन की बैठक होगी तब इसमें निर्णय होगा, लेकिन वो प्रधानमंत्री के मटेरियल है। खड़गे का नाम आगे किया गया है पत्रकार जी के तौर पे। पत्रकार जी, मैंने कहा कि किसी के नाम को आगे करने से जनता उसे स्वीकार नहीं कर लेती है। आप ही पत्रकारिता के जगत में हैं, दिन रात लोगों के संपर्क में रहते हैं। जो अच्छे पत्रकार होते हैं उसको हर लोग स्वीकार करते हैं। हम लोग भी गौर से उसको देखते हैं और सुनते हैं, इसी अपने उनकी बातों को चाहे 12 रात के 12 बजे में सुनते रहता हूँ। इसलिए एक प्रधानमंत्री के रूप में उनको अगर देखा जाए, वो केंद्रीय मंत्री भी रहे, मुख्यमंत्री भी रहे, कभी उनके कार्य पर कोई धब्बा नहीं लगा। किसी अपने राजनीति में अच्छे ढंग से निकल जाना ईश्वर की कृपा ही होती है। लेकिन उस गठबंधन में नीतीश बंधन के नेता कहें कि बिहार के लोग तो वहाँ स्वीपर का काम करते हैं, हिंदी बोलने वाले स्वीपर का काम करते हैं, कितने साझ होते हैं आप वहाँ? देखिए, मैंने पहले ही कहा पत्रकार जी, गठबंधन में रहे या नहीं रहे, जो संवैधानिक पद पे हैं उनको ऐसी बोली नहीं बोलनी चाहिए। डीएमके नेता दयानिधि मारन ने यूपी बिहार के हिंदी भाषियों को लेकर बेतुका बयान दिया। इस पर भाजपा नहीं कांग्रेस नेता भी भड़क गए हैं। कांग्रेस विधायक अजीत शर्मा ने उन्हें कड़ी नसीहत दी है, साथ ही बिहार के बारे में बताया। अजीत शर्मा ने कहा कि देश में कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता, यूपीएससी का रिजल्ट उन्हें देखना चाहिए। बिहार के आईएएस आईपीएस देश भर में है, देश में कोई भी विकास कार्य हुआ है तो बिहारियों की वजह से हुआ है। दयानिधि मारन ने ऐसा बयान दिया, यह निंदनीय है। वो बिहार आए और यहाँ आकर देखे, हर काम बिहार के लोग सब करते हैं। सब लोग अपने घर में झाड़ू लगाते हैं, टॉयलेट साफ करते हैं, हम भी झाड़ू लगाते हैं। जो झाड़ू लगाता है, साफ करता है, वही तो मेरी ताकत है, वही तो हमें जिंदा रखा है। इस बयान के लिए उन्हें देशवासियों और बिहार के लोगों से माफी मांगनी चाहिए। उनको फक्र करना चाहिए कि बिहार में ऐसे लोग हैं। आप चले जाओ, यूपीएससी का रिजल्ट देखो और आईएएस और आईएएस आईपीएस का पदाधिकारी कहां पोस्टेड है, तो बिहार के सबसे अधिक हैं। उसके बाद आप कह रहे हो मजदूरों, बिहार गरीब राज्य जरूर है और यहाँ के जो लोग हैं जो काम करते हैं पूरे देश में, किसी भी राज्य में अगर विकास हुआ है, कोई काम हुआ है तो बिहारियों ने किया है। ये बिहारी गर्व से बात करते हैं हम लोग, कि छोटा काम हो बड़ा काम हो हम लोग सबको काम समझते हैं और देश के विकास में लगे रहते हैं। और मारन जी ऐसा कह रहे हैं कि टॉयलेट साफ करते हैं, आइए बिहार और देखिए यहाँ के लोग कैसे हैं। आपको तमिलनाडु की जनता माफ नहीं करेगी इस तरह की बात करें। काम में कोई फर्क मत करिए,
छोटा काम हो या बड़ा काम हो, झाड़ू देना हो या इंडस्ट्री लगाना हो या आईएएस पदाधिकारी हो, सब लोग अपने घर में झाड़ू लगाते और टॉयलेट साफ करते हैं, ये बिल्कुल गलत बात बोलते हैं और तमिलनाडु की जनता इनको माफ नहीं करेगी। माफी मांगनी चाहिए, बिल्कुल देशवासियों से माफी मांगनी चाहिए, खास करके बिहार वासियों से। अरे काम छोटा बड़ा नहीं होता, काम काम होता है। ड्राइवर अपनी ड्राइवरी करता है तो छोटा हो गया, कोई झाड़ू लगा रहा वो छोटा हो गया। हम तो उसी, वही मेरी ताकत है जो झाड़ू लगाता है, जो ड्राइवरी करता है, वही तो हम लोग को जिंदा रखा है। और मारन जी का भी ड्राइवर और अगर झाड़ू लगाने वाला नहीं रहेगा तो वो क्या अपने से लगाएंगे? और अपने लगा, मैं तो अपने से भी लगाता हूँ, लेकिन उनको गलत चीज़ बयान कर रहे हैं। जनता गरीब हो अमीर हो सब बराबर है। मधेपुरा आलमनगर के जदयू विधायक सह जिला परिषद एवं पंचायती राज समिति के सभापति नरेंद्र नारायण यादव ने डीएमके सांसद दयानिधि मारन को कोई भी बात बोलने से पहले सावधानी बरतने की नसीहत दी है। जदयू विधायक नरेंद्र नारायण यादव ने कहा कि अपना देश भारत अनेकता में एकता का देश है, कोई भी संवैधानिक पद पर व्यक्ति को किसी भी बात बोलने से पहले सावधानी बरतनी चाहिए। देखिए, अपना देश भारतवर्ष अनेकता में एकता का देश है और हम दुनिया के विश्वगुरु कहलाते हैं। हर समाज के लोग इस देश में बसते हैं और ख़ास करके जो संवैधानिक पद पे हैं उनको कोई भी बात बोलने में सावधानी बरतनी चाहिए। आज तक आपने ठंड से बचने के लिए अलाव और चाय की चुस्की लेते लोगों को देखा होगा, लेकिन हम जो आपको तस्वीर दिखाने जा रहे हैं वो थोड़ा हटकर है। मालिक के साथ घोड़ा भी चाय पी रहा है। भागलपुर में जब यह मारवाड़ नस्ल का घोड़ा अपने मालिक के साथ निकलता है तो उसे देखने के लिए लोगों की भीड़ लग जाती है और लोग इसके साथ सेल्फी खिंचाते दिखाई पड़ते हैं। दरअसल भागलपुर के डॉक्टर जेता सिंह को घुड़सवारी का शौक है और उन्होंने अपने पास मारवाड़ नस्ल का घोड़ा रखा है जिसका नाम साधु साहब है, जो प्रतिदिन चाय पीने अपने मालिक के साथ निकलता है, जिसे देख लोग दांतों तले उंगलियां दबाने के लिए मजबूर हो जाते हैं। देखिए घुड़सवारी के शौकीन डॉक्टर जेता सिंह बता रहे हैं। तो और हम तो चाय कभी कभी पीते हैं, लेकिन इसको खास दुकान की चाय पिलाने के लिए हमको लेके जाना पड़ता है, तो कभी कभी नहीं भी जा पाते हैं तो यहाँ मंगवा के पिला देते हैं। रख रखाव में मेहनत से ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत होती है। जैसे कि आपका कोई परिवार का बच्चा होता है तो जिस तरह छोटा बच्चा बोलता नहीं है कि उसको क्या चाहिए, आपको समझ करके उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति करनी पड़ती है, उसी तरह से पशु मवेशी भी जो हैं उनकी आवश्यकता की पूर्ति समझ के करनी पड़ती है। तो मेहनत तो होती है, लेकिन वो मेहनत के बदले जो हम लोगों को मिलता है वो इसका प्रेम, स्वामी भक्ति और एक विश्वास, वफादारी, वो सब अनमोल है। ये खाने में सबसे ज़्यादा गाजर पसंद करते हैं, तो इनकी खुराक में लगभग 5 kg गाजर रोज इनको मिलता है और जई खाते हैं, भूसा खाते हैं, चोकर, ये सब इनका भोजन है, लेकिन गाजर सबसे ज़्यादा पसंद है। स्वास्थ्य भी बहुत अच्छा रहता है और घोड़े पर सिर्फ बैठने में जो ताकत लगती है उससे ही पूरा शरीर मजबूत होने लगता है। तो जैसे ही आप घोड़े को पकड़ के चलते हैं, घोड़ा तो जानते ही हैं शक्ति का पैमाना है, प्रतीक है, तो घोड़े की रास पकड़ के चलना भी, पैदल चलना भी अपने आप में आपके हाथों को मजबूत करने लगता है। और सवारी की तो कहना ही नहीं है। संपूर्ण व्यायाम में कुछ व्यायाम होते हैं जैसे तैराकी है, घुड़सवारी है, बैडमिंटन है, ये सब संपूर्ण व्यायाम है, मतलब सिर से लेके पैर तक। बच्चा जब जन्म लेता है तो कई बार बच्चा तुरंत नहीं रोता है, रोने में देर हो जाता है, ऐसे में बच्चा क्षतिग्रस्त हो जाता है और उसके बचने की संभावना कम हो जाती है, और यदि बचा तो भविष्य में उसमें विकलांगता की समस्या आती है जिसे CP कहते हैं, जिसका कोई माकूल इलाज नहीं है और ज़िंदगी भर बच्चा विकलांगता से जूझ सकता है। ऐसे में पूरे संसार में कूलिंग थेरेपी का सहारा लिया जाता है। जन्म से ठीक 6 घंटा के अंदर यदि उसको कूलिंग थेरेपी दिया जाए तो उससे उसका CP की समस्या कम होती है और बचने की भी संभावना बढ़ती है। पहली बार बिहार झारखंड में आपके शहर के स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में यह मशीन उपलब्ध है। कभी भी ऐसी बात हो कि बच्चा रोने में विलम्ब हो गया तो आप स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में जरूर संपर्क करें।
एक बार फिर से कोरोना के नए वेरिएंट ने दस्तक दे दी है। नए वेरिएंट से निपटने के लिए स्वास्थ्य विभाग ने तैयारी तेज कर दी है। कोरोना के नए वेरिएंट को देखते हुए भागलपुर के सदर अस्पताल में 3 कमरे में 19 बेड के कोविड वार्ड बनाए गए हैं, जहां दवाई से लेकर ऑक्सीजन तक की पर्याप्त व्यवस्था की गई है। जरूरत पड़ने पर बेड को बढ़ाया भी जाएगा। भागलपुर के ऐतिहासिक सैंडिस कंपाउंड मैदान में अखिल भारतवर्षीय यादव महासभा में आज हजारों की संख्या में लोगों ने अपनी उपस्थिति जताई। वहीं सुभाष चंद्र यादव ने कहा कि इस महासम्मेलन में देश के कई राज्यों से हजारों लोग भागलपुर की धरती पर पहुंचे हैं और यह ऐतिहासिक सम्मेलन यादव जातियों के लिए मिसाल कायम किया है। वहीं पूरे देश के विधायक सांसद के साथ साथ हजारों यादव जाति के लोग अपनी उपस्थिति दर्ज कराए हैं। साथ ही भोजपुरी जगत के अहिरान सुपरस्टार टुनटुन यादव और रवि यादव भी इस सम्मेलन में शामिल हुए। गौरतलब है कि इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है यादव जाति में चौमुखी विकास हो, जिससे यादव जाति हर क्षेत्र में अव्वल हो। वहीं कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में दिल्ली से आए ओबीसी अध्यक्ष जगदीश यादव मौजूद थे। कार्यक्रम के दौरान प्रदेश अध्यक्ष अजय यादव, राष्ट्रीय महासचिव श्याम नंदन यादव, जिला अध्यक्ष सुभाष चंद्र यादव, जिला उपाध्यक्ष रंजन यादव, प्रमंडल प्रभारी अभिषेक यादव, युवा जिला अध्यक्ष अंकित यादव के अलावे दर्जनों कार्यकर्ता मौजूद थे। सभा का आज बिहार के भागलपुर की धरती पर ये सम्मेलन है। मैं सब बिहार वासियों को नव वर्ष की बधाई देता हूँ और जो यादव समाज यहाँ पर लालू जी ने ताकत देकर पूरे देश के अंदर इनको मान सम्मान दिया है, आज उसका ये परिणाम है। तो आज यादों में जो एक सत्ता की ताकत इनको मिली है, जो सभी पार्टियां आज मोहन यादव को मुख्यमंत्री बनाया, तो वो जो बिहार के अंदर आपकी जनगणना हुई है, जाति जनगणना, ये सब उसका परिणाम है। ये बिहार की धरती से परिवर्तन हिंदुस्तान की राजनीति का हो रहा है। का अखिल भारतवर्षीय यादव महासभा का सम्मेलन हो रहा, महासम्मेलन हो रहा है, जिसमें हमारे पूरे देश के कोने कोने से कई राज्यों से लोग आए हैं। हमारे चीफ गेस्ट जो दिल्ली के बैकवर्ड कमीशन के अध्यक्ष हैं वो अब पधारे हुए हैं, राजस्थान से संदीप तिजारा जी पधारे हुए हैं, और हम लोग को आज लग रहा है कि भागलपुर में हम लोगों ने जो मेहनत किया है, हम लोगों ने जो अपने स्वजातीय संगठन को मजबूत करने के लिए एक सपना देखा है, वो आज साकार होता हुआ दिख रहा है। हम लोग अभी बहुत बहुत कम मेहनत कर पाए हैं और हमें ऐसा विश्वास लगता है जिस तरह का प्रेम, जिस तरह का सौहार्द हम लोग के प्रति, हमारे विश्वास पर लोग, हमारे कहने पर, हमारे विश्वास पर हम एक दूसरे को जोड़ने के लिए जब बात करते हैं तो लगता है ऐसा कि हम जरूर बहुत सक्सेस होंगे। और हमारा समाज जिस उद्देश्य से हम चले हैं कि हमारा समाज अभी शिक्षा में बहुत पिछड़ा हुआ है, हम लोगों के बीच आपसी मतभेद बहुत है, छोटे छोटे झगड़े में हम लोग फंस करके और अपना धन बर्बाद करते हैं। बच्चों को पढ़ाने में उतनी अगर सामर्थ्य शक्ति लगाई जाए तो हम लोग बहुत प्रगति करेंगे। हम लोग के बीच बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो गरीब किसान के बच्चे हैं, जिनको पढ़ने की सुविधा नहीं है, उसके लिए हम लोग चाह रहे हैं कि यहाँ पर एक छात्रावास का व्यवस्था किया जाए। और इस मुहिम में हमारे साथ पूरे देश के जो हमारे समृद्ध और ऊंचे पदों पर बैठे हुए लोग हैं, जो हमारे चीफ गेस्ट हैं, ये लोग हम लोग को कहा है कि हम लोग आपका सब समस्या को सरकार के सामने रखेंगे। इसमें से क्या यादवों को क्या कहना चाहेंगे आप सबको? हम तो कहेंगे अपने यादव भाइयों को, हमारे सब जदकुल के लोगों को, आप हम सब मिल करके अपने समाज को ऐसा दिखाएं कि देश में हमारा समाज सबसे ऊपर रहे। आज हमारी जनसंख्या के आधार पर भागीदारी। बैंक ऑफ इंडिया के सौजन्य से जीवन जागृति सोसाइटी भागलपुर के द्वारा चले गांव की ओर महिला स्वास्थ्य एवं कैंसर जागरूकता अभियान कार्यक्रम का आयोजन भागलपुर के भीकनपुर के हरिजन टोला पुलिस लाइन हनुमान मंदिर के पास आयोजित किया गया, जिसमें महिलाओं के कैंसर एवं स्वास्थ्य संबंधी अन्य जानकारी के बारे में बताया गया। साथ ही महिलाओं को मुफ्त में सैनिटरी नैपकिन भी वितरण किया गया। वहीं संस्थान के अध्यक्ष डॉक्टर अजय कुमार सिंह ने बताया कि इस कार्यक्रम को करने का मुख्य उद्देश्य है महिलाओं को कैंसर रोग से जागरूक करना, कैंसर किस तरह होता है, उसके क्या है, उनकी क्या उपचार है, उस पर भी वार्ता की गई। साथ ही महिलाओं को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहने की भी बात कही गई। कार्यक्रम के दौरान जीवन जागृति सोसाइटी के दर्जनों पदाधिकारी व कार्यकर्ता मौजूद थे।
जागृति की सोसाइटी के द्वारा लगातार जागृति समाज में फैलाया जा रहा है और वो कई तरह का होता है, जिसमें से आज है महिलाओं एवं लड़कियों में मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम, महावारी से संबंधित जो भी दिक्कतें आती है, और साथ में जो महिलाओं को विशेष रूप से कुछ कैंसर होता है उसमें से प्रमुख है ब्रेस्ट कैंसर और बच्चेदानी का कैंसर। इस संबंध में हम लोग उनको बताएंगे कि क्या क्या समस्याएं हैं और किस तरह से आप यदि कैंसर के आरंभिक लक्षण को पहचानते हैं तो उसका निदान संभव है, फिर इलाज संभव है, लेकिन यदि देर से पहचान में आता है तो फिर बहुत देर हो जाती है, फिर लाइलाज हो जाती है। इसी संबंध में आज जीवन जागृति सोसाइटी के द्वारा जागरूकता अभियान के तहत भिकनपुर गुमटी नंबर 3 के पास हम लोगों ने झुग्गी झोपड़ी की महिलाओं को इस संबंध में, हम लोग जहाँ की अशिक्षा है, जानकारी कम है, तो उसमें हम लोग ये बताने की कोशिश करेंगे कि इससे कैसे बचें और कैसे इसका निदान पाएं। इसके लिए हमारे बीच शहर के मशहूर स्त्री रोग विशेषज्ञ। मैं स्त्री रोग विशेषज्ञ हूँ। आज यहाँ जीवन जागृति सोसाइटी द्वारा एक कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें मैं बताऊँगी कि महिलाओं में किस तरह की समस्याएं आती हैं, स्पेशली ब्रेस्ट कैंसर संबंधी, उनके प्रारंभिक लक्षण को कैसे पहचाने, और सर्वाइकल कैंसर संबंधी समस्याएँ महिलाओं में, जो पिछड़े वर्ग की महिलाएँ हैं, जो सामाजिक तौर से काफ़ी कमज़ोर हैं, वे मेंस्ट्रुअल हाइजीन के प्रति अपना ध्यान नहीं देती हैं और सैनिटरी पैड के को यूज़ ना करके गंदे कपड़े वगैरह का यूज़ करती हैं, जिसमें कई तरह की परेशानियां आती हैं, जैसे कि अधिक वाइट डिस्चार्ज होना और बच्चेदानी में इन्फेक्शन हो जाना। इन तरह की समस्याओं को हम लोग इन्हें बताएंगे, जागरूक करेंगे, ताकि वो समय रहते ही हमारे पास आए सुझाव के लिए। और भागलपुर जिला एथलेटिक्स एसोसिएशन भागलपुर का 25 साल पूरा होने के उपरांत सिल्वर जुबली समारोह का आयोजन 24-25 दिसंबर को सैंडिस कंपाउंड स्टेडियम में मनाया जा रहा है, जिसमें पूरे भागलपुर से लगभग 1000 बच्चे दौड़, ऊंची कूद, गैम्बलिंग सहित 54 इवेंट में शामिल हुए, जिसका विधिवत उद्घाटन किया गया। इस कार्यक्रम में उद्घाटनकर्ता जिला परिषद एवं पंचायती राज समिति, बिहार विधानसभा, सपूर्व कैबिनेट मंत्री, बिहार सरकार के नरेंद्र नारायण यादव ने किया। वहीं मुख्य अतिथि के रूप में पुलिस प्रशिक्षण संस्थान के प्रचार मिथिलेश कुमार, वरिष्ठ अतिथि अपर समाहर्ता मोहम्मद महफूज आलम और अनुमंडल पदाधिकारी धनंजय कुमार थे। कार्यक्रम के दौरान जिला एथलेटिक्स एसोसिएशन इकाई भागलपुर के अध्यक्ष जेड हसन, उपाध्यक्ष शिशुपाल भारती, संघ के सचिव नसर आलम और उपाध्यक्ष परवीन झा के अलावे दर्जनों पदाधिकारी एवं सैकड़ों खिलाड़ी मौजूद थे। जानकारी एथलेट एसोसिएशन भागलपुर के उपाध्यक्ष शिशुपाल भारती ने दी। भागलपुर एथलेटिक्स एसोसिएशन के 25वें प्रतियोगिता कार्यक्रम में यहाँ आने पर मुझे बहुत ही आनंद लगा। 1968 में मैं भी TNB कॉलेज का छात्र रहा और सैंडिस कंपाउंड बराबर हम लोग यहाँ आते थे, और ख़ास करके जो हमारे अध्यक्ष हैं जैद हसन साहब, जो हमारे यहाँ उदा किशनगंज में अनुमंडल पदाधिकारी के पद पर हैं, उन्होंने इस कार्यक्रम को अपने सहयोगों के साथ धरती पर उतारने का काम किया है। मैं मानता हूँ इस प्रतियोगिता से आपस में प्रतियोगिता की भावना जगेगी कि हम भी आगे बढ़ेंगे, हम भी मेडल प्राप्त करेंगे। हम इतना ही कहना चाहते हैं, इस देश ने अनेक सपूतों को खिलाड़ी के रूप में आगे बढ़ाने का काम किया है। मुझे याद है मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर में विश्व कप हॉकी प्रतियोगिता में पाकिस्तान से हम लोगों का मैच चल रहा था, हम 1-0 से पिछड़ रहे थे। जो हिंदुस्तान के फुल बैक थे उन्होंने 8 बार पेनल्टी कॉर्नर से गोल में मारने का प्रयास किया, वो गोल नहीं हो सका। उसी समय में जो दूसरे बैक थे असलम शेर खां, उनको लाया गया निराश होकर के, अब तो हम 8 बार मारे नहीं हो सका, उन्होंने सीधे गेंद को गोल में पहुंचा दिया। और फिर अशोक कुमार ने दूसरा गोल किया और हम वर्ल्ड चैंपियन हो गए।
उन्हें असलम खान को कहा गया असली शेरा के। तो एक से एक खिलाड़ी इस देश में हुए हैं, चाहे वह सुनील गावस्कर हो, चाहे वह सचिन तेंदुलकर हो या पीटी उषा हो, इन्होंने दुनिया में भारत का नाम रोशन किया है। इसलिए कि इस देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि खेल को खेल की भावना से खेलनी चाहिए, इसमें अपनापन होता है। और मैंने पहले ही कहा, जो खिलाड़ी प्रतियोगिता में पूरे दम के साथ भाग लेंगे, उद्देश्य लेकर के नौकरी उनके पीछे जाएगी, रोजगार उनके पीछे जाएगा। मैं पुनः यहाँ उपस्थित तमाम जो खिलाड़ीगण हैं उनका भी, और जो एथलेटिक्स के यहाँ अध्यक्ष हैं, जो एसोसिएशन के पदाधिकारी हैं, जो राजनीतिक पार्टी के प्रतिनिधिगण हैं, और जो हमारे पत्रकार भाई हैं। NIT सूरत से बीटेक और फिर मल्टीनेशनल कंपनी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर, ये लगभग युवाओं का सपना होता है। लेकिन सुल्तानगंज के पिलदौरी निवासी मयंक कुमार ने लाखों की पैकेज की नौकरी छोड़ दी, क्योंकि मन में जुनून प्रशासनिक अधिकारी बनकर अपने गृह राज्य में सेवा देने की थी। मयंक का चयन सामान्य प्रशासन विभाग में सहायक प्रशाखा पदाधिकारी के पद पर हुआ है। शनिवार को बिहार SSC ने परीक्षा फल जारी किया। सुल्तानगंज निवासी मयंक कुमार ने अद्वैत मिशन हाई स्कूल से 10वीं की पढ़ाई की और उसके बाद विज्ञान विषय के साथ 12वीं और फिर कोटा से IIT की तैयारी कर NIT सूरत में दाखिला लेकर बीटेक किया। बीटेक के बाद मयंक का चयन सॉफ्टवेयर इंजीनियर के तौर पर एक मल्टीनेशनल कंपनी में हुआ, लेकिन मयंक ने कुछ ही समय में यह नौकरी छोड़ दी और प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी करने लगा। पूर्व में मयंक का चयन सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में बैंक PO के तौर पर, गृह मंत्रालय में टेक्निकल ऑफिसर के पद पर, CAG में ऑडिटर के तौर पर और फिर GST इंस्पेक्टर के तौर पर भी हुआ, लेकिन सामान्य प्रशासन विभाग में कार्य करने की चाहत में मयंक ने सारी नौकरियां छोड़ दी। मयंक ने बताया कि उन्होंने परीक्षाओं की तैयारी के लिए कोई भी इंस्टीट्यूट का सहारा नहीं लिया, बल्कि अपने घर पर नियमित अभ्यास किया और ऑनलाइन लेक्चर्स देखे। उन्होंने आगे बताया कि घर में 5 से 6 घंटे के नियमित अभ्यास से ही सफलता पाई जा सकती है और इसके लिए अनुशासित होना जरूरी है। मयंक ने बताया कि उनकी सफलता में उनके माता पिता का काफी बड़ा योगदान रहा, बिना उनके साथ और विश्वास के यह सफलता हासिल नहीं की जा सकती। मयंक की सफलता पर उनके पिता मणिकांत गुप्ता, माता विद्या देवी काफी प्रसन्न हैं। उन्होंने मयंक की सफलता पर शुभकामनाएं दी हैं। पिता मणिकांत गुप्ता बांका में जिला कार्यक्रम पदाधिकारी हैं। पूर्व में सुल्तानगंज प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी के तौर पर भी उन्होंने अपना कार्यकाल पूरा किया था। मयंक की सफलता पर उनके माता पिता के साथ साथ परिवारजन और मित्रों ने भी शुभकामनाएं व्यक्त की है। फिलहाल में मेरा चयन, जिसका रिजल्ट की 23 दिसंबर 2023 को दिया गया, बिहार SSC CGL 3 का, उसमें मेरा चयन सहायक प्रशाखा पदाधिकारी के पद पर हुआ है। मैंने अपनी ग्रेजुएशन NIT सूरत से की है और मैं कंप्यूटर साइंस में इंजीनियरिंग करने के बाद मैंने 6 से 7 महीने सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में काम किया, जो कि इजराइल बेस्ड कंपनी थी, बट मुझे वहाँ रुचि नहीं आई। उसके बाद मैंने ठाना कि मुझे प्रशासनिक सेवा में काम करना है, तो मैंने तैयारी शुरू की उस, और फिर जब मैंने तैयारी की तो कुछ असफलताओं के बाद फिर लगातार मेहनत करते रहने से मुझे सफलताएं मिली। सर्वप्रथम मेरा चयन सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में बैंक PO के तौर पे हुआ, उसके बाद मेरा चयन टेक्निकल ऑफिसर में गृह मंत्रालय के पद पे हुआ, फिर मुझे ऑडिटर के पद पे CAG विभाग में मेरी नियुक्ति हुई, फिर मेरा GST इंस्पेक्टर में मुझे SSC CGL के थ्रू मुझे एक्साइज इंस्पेक्टर पद मुझे मिला, और अभी फिलहाल में जो मैं अपने गृह राज्य में बिहार में सेवा देने की जो मेरी चाहत थी, वो मेरी सहायक प्रशाखा पदाधिकारी जो कि पटना में है और पटना सचिवालय की एक जो भागलपुर के सुल्तानगंज थाना क्षेत्र के कुलगामा गांव के वार्ड नंबर 2 से एक सनसनीखेज मामला सामने आ रहा है, जहां एक विवाहिता को उसके पति ने ही गले में फंदा लगाकर जान से मार दिया है। वहीं इस मामले में विवाहिता कोमल कुमारी की भाभी ललिता देवी ने बताया कि मेरी ननद कोमल कुमारी की शादी 2 वर्ष पूर्व मुंगेर जिला अंतर्गत तारापुर प्रखंड के महेशपुर गाँव के तेतर दास के बड़े पुत्र जितेंद्र कुमार से हिंदू रीति रिवाज से हुई थी। शादी के 1 साल के बाद जितेंद्र कुमार एवं उनके परिवार द्वारा 1 लाख रुपये दहेज की मांग की जा रही थी। दहेज नहीं देने पर मेरी ननद कोमल कुमारी को जान मारने की धमकी व मारपीट घर वालों एवं लड़का जितेंद्र कुमार के द्वारा दिया जाता था। 19 दिसंबर को मेरी ननद कोमल कुमारी के गले में फंदा डालकर लड़का जितेंद्र कुमार एवं इनके घर वालों ने जान से मार दिया है। जब फोन पर यह घटना की जानकारी घर वालों ने दी तो उनके घर जाने पर सभी लोग फरार हो गए।
घटना की सूचना पुलिस को देने पर तारापुर पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए मुंगेर भेज दिया। घटना के बाद लड़का जितेंद्र कुमार एवं घर वाले घर छोड़कर फरार हो गए, लेकिन पुलिस अब तक इन दहेज लोभियों की गिरफ्तारी नहीं कर पाई है। इस घटना की जानकारी जदयू अनुसूचित जाति के जिला अध्यक्ष महेश दास को मिलने पर पीड़ित परिवार से मुलाकात करते हुए घटना की जानकारी लेते हुए कहा कि उच्च अधिकारी से बातचीत कर पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने की बात कही। इस दौरान जदयू कार्यकर्ता एवं ग्रामीण मौजूद थे। क्या नाम है आपका? ललिता देवी। कहाँ घर है? कोलगामा। क्या हुआ आपके यहाँ? मृत्यु हो गया। किसका? ननद का। क्या नाम है ननद का? कोमल कुमार। कहाँ शादी हुआ था? महेशपुर। महेशपुर कहाँ है? तारापुर। महेशपुर तारापुर मुंगेर जिला में। हाँ। किसके यहाँ हुआ था शादी? तेतरदास। तेतरदास उसका ससुर है। हाँ, उसका बेटा, उसका बड़ा जो बेटा है ना तेतर का जितेंद्र, उसी से शादी हुआ था। कब हुआ था? मतलब 16 तारीख को, जून मई कौन था समय, 2021 में शादी हुआ था। 2021 में शादी हुआ था। हिंदू रीति रिवाज से? हाँ, सब चीज सजा बजा के, सब सजा बजा के बारात मंगवाए थे यहाँ। जी जी, सब चीज मंगवा के सब चीज किए। जब शादी के समय सब चीज सही हो गया, फिर बाद में 1 साल के बाद वो 1 लाख दहेज मांगने के लिए वो मतलब मांगने लगा। कौन? वही जितेंद्र, उसका सभी परिवार मांग रहा था। हाँ, सर ने झपटी धर। हाँ, क्या कर रहा था वो? कि 1 लाख मतलब के लेके आओ, तब तो सही से रहने देंगे, नहीं तो ऐसे तुमको मारते रहेंगे। मतलब उसका साथ जो है ना, वो बार बार गाली घिन्नो और झोकरिया के मारता था, मारपीट करते रहता था। हाँ, लेकिन उसको हम पूछते थे ननद को, लेकिन वो सही बात नहीं बताते। क्या हुआ उसके बाद? उसके बाद फिर फसरी उसको, मतलब कि वो फोन की कब, मतलब कि 19 तारीख को फोन किया था वो। कौन 19? जिस दिन मतलब उसका वो हुआ था देहांत, 19 दिसंबर को। हाँ, उसी दिन उसको मतलब फोन किया कि हमको खाली बोला हेलो भाभी, हम बोले हाँ, तो इतने को बोल के वो फोन मतलब उसका फोन छीन लिया, उसको फेंक दिया फोन। और फिर बाद में जब हम फोन किए ना उसको, तो उसका नाना छोटी वाली जो फूलो वो फोन उठाया, बोला हेलो, जो मेरा भाभी को ना पेट में दर्द हुआ था, जो उसको लेके गया हॉस्पिटल, तो हम बोले कि अभी तुरंत बात करवे।